आज जो मैं इस जोर स्टॉक के प्लेटफॉर्म में आई हूँ आपको रांची की रहने वाली हूँ अपनी सारी पढ़ाई रांची से ही की है।, क्लास ट्वेल्थ के लोग को अब डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है मुझे बस ये पता था कि अगर मैं सीए बन जाती हूँ तो सीए के साइन की एक वैल्यू होती है बस ये सोच के मैंने सीए की पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो वैसे ही मैंने नवंबर 2018 में सीए फाउंडेशन के लिए अपियर किया उस समय तक मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है तो मैंने जो क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दिया था वो कॉमर्स लेके किया था लेकिन उसके बाद मुझे ये पता नहीं था कि मुझे आगे जाके करना क्या है बस मेरे पापा ने मुझे बोला था कि सीए की साइन की बहुत वैल्यू होती है तो मैंने बस पापा लो के लोग के बात सुन के सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर दिया और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया था नवंबर टू में वो मैंने पढ़ाई अच्छी से की थी इसलिए मेरा अटैम्प फर्स्ट अटेम्प में क्लियर हो गया बट उसके बाद क्लियर होने के बाद मुझे एक्चुअल में पता चला इंटरमीडिएट में आने के बाद कि सीए में पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है लेकिन उस समय भी मुझे अब ये पता था कि सीए में घुस गई हूँ तो अब सी ए अच्छा से अच्छे से क्लियर करके ही निकलना है तो उसके बाद मैंने सीए की पढ़ाई चालू की इंटरमीडिएट भी मेरा नवंबर 2019 में दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया लेकिन अब जो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे वो सीए इंटरमीडिएट के बाद चालू होती है अब मैं फाइनल्स में आ चुकी थी अब मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे आर्टिकलशिप कहाँ से करना है रांची से ही रह के करना है किसी बाहर शहर में जाके करना है किसी बिग फोर से करना है या फिर कोई मिड साइज फॉर्म से ही करना है तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इंटरमीडिएट और फाउंडेशन क्योंकि रांची से ही की मैंने डिसाइड कि मैं भी राची से ही करूंगी तो मैंने रांची के ही फॉर्म में अपने को रजिस्टर कर लिया और वहां मैं आर्टिकलशिप करने लगी अब आर्टिकलशिप और पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था तो मैंने बीच में ये भी सोच लिया था कि मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ क्योंकि ऐसे भी अगर हम इंटरमीडिएट क्लियर कर जाते हैं तो वो ग्रेजुएट के इक्वेवलेंट ही होता है तो इसी के बीच कोविड आ गया था तो कोविड की वजह से हमारे कॉलेज ने हमें सबको पास कर दिया था तो इस चक्कर में मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा और मेरे कॉलेज भी क्लियर हो गया फिर आ गई हमारी एग्जाम की टाइम तो मुझे पता था कि मुझे एग्जाम के पहले छह महीने की छुट्टी तो लेनी ही है क्योंकि छह महीने की पढ़ तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर सी फर्स्ट अटेम्प में क्लियर करना है तो तो उसी समय ने, मैंने अपने प्रिंसिपल से बात किया कि सर प्लीज मेरे को छह महीने की छुट्टी दे दीजिए थोड़ा सा उनके साइड से था कि आपको चार महीना दे देती हूँ पांच महीना दे देंगे लेकिन नहीं फिर मैंने उनसे जिद करके छह महीने की छुट्टी

एक फेस्टिवल है या फिर एक ही फंक्शन है अटेंड कर लो क्या हो जाएगा दिवाली वाले दिन भी मुझे याद है कि मैंने बस एक घंटे के लिए बाहर गई थी मुझे मंदिर जाने के लिए वो उसके उस समय भी मुझे घर वालों से इतना डांट मिला था कि एटलीस्ट दिवाली वाले दिन पढ़ाई बुक्स बंद करके पढ़ाई कर लो तो मैंने उन्हें एक ही आंसर दिया था कि अगर मुझे नेक्स्ट दिवाली अच्छे से बनाना है तो मुझे इस दिवाली पढ़ लेने दो तो, नहीं तो नेक्स्ट दिवाली भी एग्जाम में एग्जाम के लिए पढ़ने में ही निकल जाएगा अब मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी लेकिन बीच में क्या हुआ बीच में मेरी बहन की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी अब उसकी तबियत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर उसको समझ में भी, भी नहीं आ रहा था कि उन, उससे हुआ क्या है एंड उसका तबियत खराब होने के बाद मैं भी फोकस नहीं कर पा रही थी पढ़ाई में तो मुझे उस समय तो लग रहा था मुझे ये अटेम्प्ट तो स्किप करना ही पड़ेगा क्योंकि एक साथ दोनों ग्रुप तो मैं दे नहीं पाऊंगी अगर मैं दे भी दूँ तो एक भी क्लियर नहीं हो पाएगा बट देन वो एक हफ्ता मैंने अपने आपको समझाया उस दिन वो एक हफ्ता में मैंने सबसे ईजी सब्जेक्ट को लिया कि ठीक है मैं बस रीड करते रहूंगी कुछ नहीं पढ़ूंगी तो भी सिर्फ एटलीस्ट की बुक्स के सामने रहूंगी कुछ कुछ रीड करते रहूंगी ऐसे करते करते वो एक महीना पार हुआ फिर उस डॉ उसकी भी तबीयत ठीक होने लगी तो मेरी भी पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस वापस मेंटेन होने लग गया अब ये करते करते मेरा वापस फ्लो बना ही था एग्जाम आने के फर्स्ट एग्जाम के चार दिन पहले मेरा तबियत इतना खराब तबियत खराब एज इन मुझे इतना लो फील होने लगा था मुझे लगा था मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी एग्जाम जैसे ही जो घर आते थे वो बस एक ही लाइन बोलते थे कि यार इसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा ये इतना पढ़ रही है और लोगों का इतना एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे खुद में इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि बाई चांस अगर क्लियर नहीं होता है तो एग्जाम तो मेरा क्या होगा तब तो मैं लोग को क्या क्या बोलूंगी इस चक्कर में मुझे लिटरली एक वर्ड भी याद नहीं आ रहा है और दिन एग्जाम के चार दिन पहले का बात है मम्मी पापा को यही लग रहा है कि ये छह महीने इतना पढ़ाई की है ये चार दिन में अपना पूरा मेहनत खराब कर दी और ये अटेम्प्ट तो दे ही नहीं पाएगी लेकिन उसके बाद मुझे याद है मैं बैठी हुई थी रूम में मम्मी पापा बगल में बैठे हुए थे पापा मेरा एफ का बुक खोल के मेरे को एक एक वर्ड पढ़ के सुना रहे थे ऑल दो पापा को भी पापा बस पढ़ के सुना रहे थे मेरे को उस समय बस वर्ड याद आ रहे थे अच्छा ठीक है हाँ कुछ पढ़ा हुआ है बस ऐसे ऐसे करते करते एक दो घंटा पापा ने मुझे ऐसे पढ़ा था ऐसे करके मुझे थोड़ा नॉर्मल फील होने लगा उसके बाद क्योंकि लोगों ने इतना बोल दिया था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा या फिर इतना पढ़ रही है ऐसे करके इतना ज्यादा चीज तो लोगों ने मम्मी को लग रहा था कि ठीक है हो सकता है नजर लग गया होगा तो फिर या फिर कुछ भी नमक प्रॉब पानी से दो घंटा बाद, बाद फील होने लगा अब अब मैं उस समय मुझे पता था कि अब चार दिन है मेरे को एग्जाम अब क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो चार दिन मुझे अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा फिर मैंने वापस से पढ़ाई शुरू की बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू की अब फर्स्ट एग्जाम देने के बाद वही पता नहीं क्या लिख के आए हैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन स्किप हो गया दूसरा दूसरा अच्छा से अटेम्प नहीं किए शिट के तो पहले से ही आता था लेकिन एग्जाम से आने के बाद यार इसको भी गलत करके आ गए सारा क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आए ऐसे करके बहुत डर लग रहा था तो फर्स्ट एग्जाम के बाद तो मुझे नेक्स्ट एग्जाम के लिए कैसे पढ़ूँ वही समझ नहीं आ रहा था फिर जाके मेरे एक सर थे उन्होंने मेरा बहुत उन्होंने पूरे जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट किया था मुझे याद है मेरा ऑडिट का एग्जाम वाले दिन मैं एग्जाम लिखने जा रही थी उसके बाद क्ला क्लास में घुसने के बाद मैं वापस आई सर को कॉल किया सर नहीं हो पा रहा है हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे सर कुछ भी एक वर्ड याद नहीं आ रहा है मेरे को सर में मैंने को थोड़ा सा कूल डाउन किया थोड़ा समझाया कि अब आप इतना आ चुके हो यहाँ तक तो कम से कम एग्जाम दो सब कुछ याद होगा तुमको एग्जाम दे के आओ तो ऐसे करके ठीक है मैं फिर वापस क्लास में गई थोड़ा सा नॉर्मल हुई एग्जाम दिया अब एग्जाम ऐसे करते करते सभी एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ हो रहा था कि मतलब लग रहा था कि पता नहीं ये वाला भी अच्छा नहीं गया वो अच्छा नहीं गया या फिर ऐसे करके बस एग्जाम्स पार हुआ फिर एग्जाम्स खत्म हो गए अब लास्ट एग्जाम्स भी वैसे ही आया था कि यार एमसी क्यू छूट गया ये, ये छूट वैसे करके पार हुआ अब आया रिजल्ट रिजल्ट का डे रिजल्ट आने वाला था सुबह पाँच बजे से वही सब स्टूडेंट्स के जैसे हर दो मिनट में यार रिजल्ट आ गया क्या यार रिजल्ट आ गया था सेवन थर्टी अराउंड मेरा रिजल्ट आया हम अपने रूम में ले सोए हुए थे वहां से उठ के मम्मी पापा लोग के पास गए अब हम लोग एक रूम में बैठे हुए अब मेरा रिजल्ट आने वाला है उस टाइम फोन पे मैंने क्लिक फोन फोन और लैपटॉप दोनों से मैं ट्राई कर रही थी कि मेरा रिजल्ट दिख जाए तो फोन पे मेरा रिजल्ट खुल गया अब रिजल्ट खुलने के बाद मेरे पास लिटरली एकदम भी हिम्मत नहीं था कि मैं वो रिजल्ट अपना खुद देखूं क्योंकि ना इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के टाइम भी मैंने कभी भी अपना खुद रिजल्ट देखा ही नहीं वो भी था कि मैं अपने से, से तो रिजल्ट नहीं देखूंगी कोई और देखता है तो अच्छा रिजल्ट रहता है तो डर भी था तो मैंने बस पापा को फोन पकड़ा दिया अब पापा ने बस मेरे को देखा एंड ही सेड

वो मोमेंट सच्ची इतना ऑन मतलब करके रिजल्ट देखते हैं पहले तो हिम्मत नहीं था बट देन वो रिजल्ट देखने के बाद सच्ची लगा कि ये मोमेंट तो लाइफ टाइम अपने पास रिकॉर्ड करने जैसा था ऐसे करके मम्मी पापा काफी खुश थे मम्मी पापा ने सबको जैसे ही जिसका फोन आ रहा है सबको बता रहे कि हाँ बेटी सी ये बन गई है तो वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था तो ऐसे करके ना मुझे ये पता चला कि मेरी जर्नी में एक्चुअली प्रॉब्लम्स आए लेकिन मेरे को पता है कि माई फ्रेंड्स फैमिली और जितने भी ट्यूटर्स और सर जितने भी जो मेरे को मिले ना एवरी वन वॉज वेरी सपोर्टिव ये अब ऐसे करते करते अब पूरा मंथ सेलिब्रेशन में निकला कि ठीक है हाँ सी ये हो गया अब लेकिन उस समय ये भी था कि आगे क्या करना है अब आगे क्या करना है अब जनरली लो, लोग यही कि सी ए कर लिए तो या तो जॉब या तो प्रैक्टिस यही दोनों ऑप्शन रहता है इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन रहता नहीं है तो उसके बाद मेरे को स्टार्टिंग से एक था कि जॉब तो मेरे को नहीं करना है पता नहीं वो एक आई वॉन्टेड कि थोड़ा कुछ पर्सनल आइडेंटिटी रहे मेरा तो वो जॉब में मेरे को लगा कि मेरे को नहीं मिल पाएगा ऐसा नहीं है कि जॉब अच्छा ऑप्शन नहीं है बट मेरे को लगा मेरे लिए जॉब इज नॉट अ राइट ऑप्शन बट देन वही है कि ऐसा नहीं हो कि बिना uh, देखे कि जॉब में क्या कैसे वर्क करता है उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे तो आई थॉट थो, uh, कि बार जॉब को भी ट्राई करते दे उस समय आई जॉइंट आदित्य बिरला तो आई जॉइंट आदित्य बिरला भी अच्छा था सब कुछ अच्छा था आई वॉज वर्किंग बट तीन महीने में मेरे को समझ में आ गया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है को वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन वहाँ मिल ही नहीं रहा था तो आई थॉट कि आई रिजाइन तो उस समय तक मेरे को ये लेकिन नहीं पता था कि एग्जैक्टली exactly मेरे को आगे करना क्या है आई न्यू कुछ अपना करना है कुछ अपना, है, कुछ, अपना, है, कुछ, अपना है, कुछ ऐसे जिसमें मेरा खुद का पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड हो बट आई रिजाइन वो उस समय अब उसके बाद घर आके आई थॉट ऑफ डिसाइडिंग कि मुझे क्या करना है तो उस समय स्टार्टेड थोड़ा सा सी ए मेंटरिंग स्टूडेंट्स तो समय स्टार्टेड प्लान हेड uh, मेरा जर्नल जिससे आई हेल्प स्टूडेंट कि कैसे प्रिपेयर करो आप एग्जाम्स के लिए और कुछ कुछ ऐसे ही नॉर्मल वन टू वन फ्री सेशन की मेरे को भी थोड़ा सा मेरे भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आई नो हाउ टू स्पीक विद पीपल स्पीक टू पीपल हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड उनको भी थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो ऐसे करते करते फिर मतलब आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो वो कैमरा के क्योंकि पहले आई वॉज नॉट अ पर्सन की कभी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊंगी कि कभी एक वाइल्डेस्ट ऑफ थॉट्स में भी आया था कि कभी आई विल ट्राई कंटेंट क्रिएशन या फिर इंस्टाग्राम पे आई विल मेक रील्स रिलेटेड टू फाइनेंस ऐसा कुछ बट फिर वहां से जाके मुझे थोड़ा लगा कि ठीक है मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ तो बट मेरे को ये पता था कि मेरे को कुछ भी स्टार्ट करना है ना थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ करना है ऐसे ही नहीं कि बस हाँ ये चीज अच्छा लग गया तो बस ट्राई करते हैं तो आई गिव टू मंथ्स रिजाइन करने के बाद दो महीना मैंने दिया कि उस दोनों महीने में आई हैड टू कन्विंस माई पेरेंट्स ऑल्सो क्योंकि पेरेंट्स को भी मैंने बिना बताए जॉब छोड़ दिया था कि आई जस्ट आई टोल देम कमिंग होम फिर डिसाइड करेंगे कि मेरे को जॉब करना है कि नहीं बट एट दैट टाइम आई हेड रिजाइन एंड केम होम तो मम्मी पापा के लिए भी आई टोल्ड देम कि कंटेंट क्रिएशन करना है तो ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग कि इसमें भी करियर हो सकता है या फिर इससे भी कुछ आगे बिल्ड हो सकता है तो उनके साइड से थोड़ा रेजिस्टेंस था कि अगर तुमको यही करना है तो तुम जॉब के साथ कर लो बिच आई थिंक दे वर राइट कि बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को पता कि हम पूरा फुल फोकस नहीं दे पाते इस चीज में इसीलिए आई थॉट कि जॉब आई है ऑप्शन अगर सिक्स मंथ्स बाद भी अगर वर्क नथिंग वर्क आउट

क्रिएटेड वीडियोस बहुत सारे वीडियोस बनाए अपने को देखने के लिए कि अच्छा से बोल रहे पब्लिक प्लेटफॉर्म में जा रहे तो आई नीड टू प्रेजेंट माई सेल्फ अच्छा से आई नीड टू प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल तो टू ट्वेंटी आई क्रिएटेड की एक सेट हो क्योंकि आई न्यू की कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करना है तो आई हैड टू बी कंसिस्टेंट और अगर हम एकदम अचानक से बस आई मेड अडियो एंड पोस्टेड तो मेरे को पता था नेक्स्ट वाले में बहुत दिक्कत होगा हो सकता है वो एक दिन बाद नहीं चार दिन बाद जाए क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा वीडियोज बनाने में इसलिए आई क्रिएटेड सेट की फिफ्टी ट्वेंटी में आई विल डिसाइड कि आगे मेरे को करना क्या है उसके बाद अक्टूबर से आई स्टार्टेड पोस्टिंग इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे की थिंग्स रिलेटेड टू तो पर्सनल फाइनेंस मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब बहुत सिंपल चीज पे रखा कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो लोगों को जानने की जरूरत है बस वही एक्सप्लेन करूंगी अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक में नहीं जाऊंगी तो दैट एक्चुअली हेल्प मी बट लेकिन स्टार्टिंग का एक महीना वो लाइक नहीं ग्रोथ आ रहा था फॉलोअर्स के तो मेरे को तो थोड़ा सा लग रहा था कि यार इतना खराब तो वीडियोस नहीं बना रहे हैं कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों को इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है क्या तो आई थॉट कि मे भी गलत डिसीजन हो अब आई हैड टेकन अ स्टैंड पापा लोग के सामने भी कि हम ये कर लेंगे आप मेरे को थोड़ा टाइम दो तो थोड़ा एक वो था कि भाई शिट गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया बट देन थर्ड अक्टूबर को आई स्टार्ट मेरा नोवर तक इट वॉज लाइक टू थ्री फॉलोअर्स थे उसके बाद एग्जैक्टली वन मंथ में आई गेन्ड टेन फॉलोअर्स अब टेन थाउजेंड फॉलोअर्स है तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि ठीक है टेन हो गए तो अब अच्छा से और करते हैं वो करते करते विद इन अ वीक आई रीच हंड्रेड के एंड देन एग्जैक्टली थ्री मंथ्स इट टू फ्रॉम जीरो आई वेंट फ्रॉम जीरो टू नाइन हंड्रेड के एंड अब तो मतलब सी नाइन हंड्रेड के जैसे हुआ ना तो आई थ्री मंथ्स में वो टाइम हो गया थ्री मंथ में हो गया अब मेरे को अब ये प्रॉब्लम आ रहा था कि अब लोग बोलते ना बहुत ईजीली मिल गया तुमको ये बट दे डोंट नो कि मतलब वो थ्री मंथ्स के स्टार्टिंग में भी ना दो महीना आई डिड पूरा अपने आपको प्रैक्टिस करना है कि मेरे को वीडियोस कैसे बनाना है कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए मैंने पूरा टाइम दिया ऐसा नहीं था कि बस वीडियो डालू कि डाला एंड वायरल हो गया एंड आई गॉट अ रीच वो चीज़ नहीं है लोगों को जनरली लगता है ना कि नाइन हंड्रेड के मुझे बहुत इजीली मिल गया लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये नाइन हंड्रेड के से पहले भी मैंने काफी रिसर्च किया था एंड फिर इस फील्ड में थे एंड ऑल्सो थैंक यू टू जोश स्टॉक्स क्योंकि वहीं से मुझे मैंने काफ़ी और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एंड फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स जैसे नेहा नागर और uh, सी ए रचना ला नाडे मैम इन, इन इनका इन दोनों का और भी कई का, का, लोगों का वीडियो देखा और उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि नहीं ठीक है आई कैन ऑल्सो डू इट सो आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्टॉक्स फॉर दैट और बाकी बस मेरे को अब ये में, में को इस जर्नी में मेरे को एक सच्ची में ये समझ में आया है कि एक्चुअली वी नीड पहले तो हम लोग को एक गोल होना चाहिए कि हाँ हम लोग को करना क्या है फिर वो इन द प्रोसेस हमें पता चल जाता है कि उसको गोल को रीच कैसे करना है बट वो प्रोसेस में वी नीड टू बी कंसिस्टेंट मतलब ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है बट मेरे को ये अपना जर्नी बीट फाइनल्स क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना या फिर सी फर्स्ट अटैम्प्ट में बनना या फिर इस इस टाइम फ्रेम में मुझे इतना ये नंबर्स पे पहुंचना है इंस्टाग्राम पे मेरे को ये पता है कि इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी अगर इफ आई वाज नॉट कंसिस्टेंस इफ इफ मैं स्टार्टिंग में कुछ प्रिपेयर नहीं करके फर्स्ट दिन एक वीडियो डालती फिर एक वीडियो एक वीक बाद एक वीडियो डालती या फिर पढ़ाई भी वैसे ही करती एक वीक करती फिर एक वीक नहीं करती तो आज मेरे को जो भी मिल रहा है आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट वो नहीं अचीव हो पाता एंड यू ऑल्सो नीड सपोर्टिव पीपल हाँ मेरे पेरेंट्स का थोड़ा वो था कि रेजिस्टेंस कि नहीं करना बट कोई भी टाइम पे ऐसा नहीं था कि वो मेरे को मना कर रहे हैं कि तुम नहीं तुम्हें नहीं कर सकती हो मतलब वैसा नहीं था कि एकदम भी ट्राई नहीं करना है थोड़ा तो थो, ऑब्वियसली उनके साइड से वो रह गए क्योंकि अचानक से हम फुल टाइम जॉब छोड़ के एकदम अनसर्टेन साइड में जा रहे हैं बट देख और कोई भी जो अभी तक, तक मेरी जर्नी में सब काफी सपोर्टिव रहे हैं. तो ये थी मेरी अभी तक की जर्नी और इस जर्नी से कहीं पे भी आपके जर्नी में कुछ भी value addition होता है, इससे आपको कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो आई बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की आपके डिसीजन की और जोश की हमें पता है हम काबिल हैं पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला तो आइए अपने हालातों को हरा कर जुड़ते हैं जोश जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है पर कैसे यह जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें